हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में कभी फेस नहीं किया है, बट ये एक मेरे व्यूअर थे मैम, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था और कहा था कि प्लीज़ मैं ये वीडियो बनाऊं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के पास। बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल करके आपसे ये शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी यूज कर ले सकते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं आज किस कौन सा वीडियो मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी बॉय है तो उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, और ये ओपन करना क्यों जरूरी है, क्या अगर हम नहीं करते हैं इसे ओपन तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में आज बात करेंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला तो बात कर लेते हैं कि ये जो बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसको ओपन करना क्यों जरूरी है। अगर इसे ना करें तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्या ऐसी तो चीज है जिससे जो प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, ठीक है। सो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों, ये चीज करना, मतलब अपने बेबी का प्राइवेट पार्ट ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब भी वो मैच्योर होता है, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो जाती हैं। ये स्टार्टिंग कह सकते हैं 13 की एज से दिखने लग जाता है ये प्रॉब्लम, और ये बहुत आगे लंबा प्रोसेस हो जाता है। बच्चों के उस प्राइवेट पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और वो फोरस्किन अगर बढ़ी रहती है, इसकी वजह से डॉक्टर्स हमेशा ही फोरस्किन बढ़ने की वजह से कटने फटने, ब्लड आने, दर्द होने, असहनीय पेन होने के चांसेस दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले से ही उसके प्रिकॉशन ले लिए जाएं, पहले से ही उस प्राइवेट पार्ट का ध्यान रख लिया जाए, वरना ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी हो जाती है। डॉक्टर्स इसके लिए, अगर आपके बच्चे को, बच्चा नहीं कह सकते, अगर बींग अडल्ट उनको ये प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उनको कह सकते हैं ऑपरेशन ही रिकमेंड करते हैं, और वो फोरस्किन को काट के हटा देते हैं, जिसका वापिस से होने का चांसेस फिर से होता ही होता है। कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कभी जिंदगी में दोबारा होगा ही नहीं उनको ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें उस प्राइवेट पार्ट पे खुजली आना, ठीक है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होना, वाइट कह सकते हैं डिस्चार्ज आना, ये एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन है। 40% केसेस हैं ऐसे जिनका अगर प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं होता है बेबी बॉयज का, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो दोस्तों, बात कर ली कि अगर ये चीज ना करें हम तो क्या क्या खतरा है, और अगर हम कर देते हैं क्यों करना जरूरी है, इस बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, करना तो जरूरी है, बट इसे करेंगे कैसे, ठीक है। हम अगर अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो कोई सजेशन हमको इतना जल्दी देते नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो कहते हैं आप वेट करिए, ठीक है, थोड़ा टाइम इसका वेट करिए, ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एक ऑपरेशन छोटा सा करवाने की जरूरत होगी। तो एज अ मदर फादर, हमें एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा ऑपरेशन के नाम से ही डर लग जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा रिस्क हम अपने बेबीज पे नहीं ले सकते हैं। सो कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे आप अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को घर में ही ओपन कर सकते हैं, और वो भी विदाउट पेन, ठीक है। तो मैं जो बताने वाली हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही जेन्यून तरीके से आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं आपको कैसे ये चीज करनी है, ठीक है। अगर आपके, मान लीजिए आपका बेबी का जो पार्ट है, पहला दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आप अपने बेबी को, जब कोई भी एज हो आपके बेबी की, 2 साल से कम की होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आपके बेबी की एज 2 साल से कम की है तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने बेबी के ऊपर, ठीक है।
फर्स्ट डे आपको क्या करना है, आपके अपने बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है उसको सुबह सुबह जैसे आप उठते हैं उसी टाइम पे उसके प्राइवेट पार्ट पे एक फूंक मारनी है, ब्लो करना है, ठीक है, ऐसे ब्लो करना है, ठीक है। ये सिर्फ पहले दिन आपको कर देना है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे अपने बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है उस पे कोकोनट ऑयल, जी दोस्तों कोकोनट ऑयल की कह सकते हैं ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। कोई और कुछ भी प्लीज मत ट्राई कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल आप अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट पे डाल दीजिए, उसके जो होल होता है उस पे डाल दीजिए। एंड देन आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, स्लाइटली जितना हो सके उतना हल्का, जैसे मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपने उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ रखा है, ठीक है, एकदम धीरे से, जैसे हम रुई पकड़ते हैं राइट, उस तरीके से आपको उसके प्राइवेट पार्ट को एकदम धीरे 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 से नीचे की ओर करना है, एकदम धीरे, ठीक है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है कि वो नीचे नहीं आ रहा है अपने आप तो छोड़ दीजिए, ठीक है, एकदम धीरे धीरे, जितना नीचे आ सकता उतना, जितना नीचे आ सकता उतना धीरे धीरे करिए। आप दिन में एक बार करिए, दो बार करिए, इससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। ज्यादा ऐसा खींच के उसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, बेबी एक तो बहुत रोता है, उसे बहुत पेन होता है, एंड देन कभी कभी ब्लीडिंग आने के भी चांसेस हो जाते हैं, और हमें डर लग जाता है क्योंकि जब हम उस प्राइवेट पार्ट को खोलते हैं वो काफी रेड होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से आप प्लीज और प्लीज उसमें कुछ ज्यादा जोर मत डालना, एकदम धीरे से करना ये चीज। दूसरा आप कर सकते हैं, आप एक कॉटन का जो रुई बोलते हैं ना, कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए या तो रुई ले लीजिए, रुई को हल्का सा भिगा दीजिए और उसके जो प्राइवेट पार्ट है जैसे आप ओपन कर रहे हैं धीरे 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 उसको साफ कर दीजिए। साफ करने से क्या होगा, उसको इचिंग नहीं आएगी, बार बार उस पार्ट को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को रेगुलरली मतलब एक हैबिट में डाल देंगे उसकी, तो उसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वो उस चीज को मतलब अडॉप्ट कर लेगा आपका बेबी। तो ये जो प्राइवेट पार्ट ओपन होने का जो टाइमिंग है, जो समय है, वो कुछ 20 दिन का होता है दोस्तों। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस से ही काम बनेगा, वरना आप चाहे कि एक दिन में ओपन कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत ही जेन्यून तरीके से ही आपको करना है, क्योंकि ये मसला है आपके बेबी का, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पेनफुल सेशन हो जाएगा आपकी बेबी के लिए अगर आप ज्यादा कुछ करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें बताया गया है कि आप अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को ऐसे ओपन करके और उस पर पानी नहलाते टाइम पानी की ऐसे ऐसे करके धार छोड़िए। दोस्तों आप अपने अपने बॉडी पे भी, ऐसे हाथ पे भी एक ऐसे धार डाल के देखिए, आपको कितना इरिटेशन हो जाएगा। कहते हैं 7 से 8 टब करे, बाबा ऐसा तो बिल्कुल ना करना, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज धीरे धीरे इस चीज को ओपन करें, और ज्यादातर बच्चों में ये आफ्टर 2 इयर्स हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे ना सुसु करते टाइम टगिंग स्टार्ट कर देते हैं, सो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट पार्ट उनका ओपन हो जाता है। बट इनकेस अगर नहीं कर पाते हैं बच्चे के साथ, अगर आपको पहले से थोड़ा ध्यान रखना है तो आप ये चीज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को ही आप अप्लाई करें और एकदम धीरे धीरे, पहले दिन थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और किया फिर छोड़ दिया, जैसे आपको बच्चे थोड़ा सा भी इरिटेट हो ना छोड़ दें, ठीक है, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही एक सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताया, और थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। लास्ट में मैं आपको एक चीज, पर्सनल चीज है मेरी जो शेयर करना चाहती थी, आज पता नहीं क्यों मन है तो शेयर कर देती हूँ। दोस्तों मेरे बाल हैं ये इतने बड़े बाल हो गए हैं, सो बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए, अब इनको संभालना मुश्किल हो चुका है मेरे लिए। सो आज मैं अपना हेयर कट लेने वाली हूँ, मैं इसे यहाँ तक काटने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए। कोई कह रहा है मत काटो, कोई कह रहा है काटो, आपका क्या सजेशन मुझे बताएं, अगर मुझे काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए, और दैट्स इट।